हम लोगों ने अभी तो पढ़ा था कि दो दो कर्म के बीच क्या कैसे निकल रहे, उसमें मैंने एग्जाम्पल बताया, एक एग्जाम्पल मैंने और लिया, क्या लिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन वांटेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाय एट द लाइन एक्स माइनस एक्स बराबर 4 बाय माइनस 2, ये दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान देंगे सॉल्यूशन में अगर हम चले तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व x square equal to 4 by, let's say 1, and the line x बराबर 4 by minus 2। अब जैसे तो इतना करना है, इतना करना है, तो क्या क्या करना है, कहीं पे लोग figure draw कर लेंगे, figure draw कर लेंगे, तो figure draw करेंगे x axis है, ये y x dash है, ये y axis है, ये y dash है, फिर ड्रॉ करो तो एक्स का स्क्वायर रूट तो वाई एक्सिस में जाएगा, तो ऐसा, ठीक है। एक इसका बन गया फिगर एक्स स्क्वायर बराबर फोर वाई का, इसका फिगर करें। अब ये लाइन जो दिया हुआ लाइन, ठीक है, लाइन कैसे बनेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाइन का फिगर कैसे जाएगा, उसे कैसे बनता है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक्स इक्वल टू फोर वाई माइनस का टू दिया हुआ, तो आप जो टेंथ क्लास में पढ़े थे उस हिसाब से निकाल लेंगे, उन्होंने एक्स और वाई, एक्स को जीरो कर दो, एक्स को जीरो करो, जब एक्स को हम जीरो करेंगे, ठीक है ना, तो वाई कैसे जाएगा, एक्स जीरो हो गया, ध्यान दीजिएगा, एक्स जीरो तो एक्स को जीरो करो, फोर इंटू वाई माइनस टू, इसलिए फोर वाई बराबर टू, तो वाई की वैल्यू कितना जाएगा, वाई की वैल्यू टू बटा फोर, तो वाई की वैल्यू कितना, एक बटा दो, तो एक बटा दो, ठीक है ना, या फिर इसको हम वाई बराबर एम एक्स प्लस सी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस इक्वेशन को अगर मान लो सकते हैं, ऐसे ही बनाओगे हम लोग, ऐसे ही बन जाएगा, अगर वाई को जीरो कर देते हैं एक्स की वैल्यू माइनस टू, तो ध्यान दीजिए वाई की वैल्यू हाफ किधर होगा, वाई हाफ इधर मान लीजिए सपोज इधर होगा जीरो से एक बटा दो, और एक्स की वैल्यू माइनस टू को जीरो किधर आएगा, इधर की इधर नहीं आएगा, यहाँ पर जीरो, तो जो लाइन जो बना जाएगा लाइन बनेगा वो ऐसे फिगर बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, इसको और नीचे ले लूंगा, इस पॉइंट को सपोज की जीरो जो वाई एक्सिस का है वो यहाँ पर बना, और एक्स वाई जीरो एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव एक्स डैश की तरफ, सपोज की ये माइनस टू जीरो है, तो लाइन कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे लाइन जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पे मिला वहीं पे मान लीजिए, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट के बाद मुझे एरिया इसमें कॉमन एरिया कौन कौन है, जो इस लाइन से, जो लाइन से और किससे घिरा हुआ है, जो लाइन से और पैराबोला जो यहां दिया हुआ है, ठीक है, पैराबोला जो हमारे पास है ये वाला पार्ट देखिए, हमारा ये रीजन एरिया का लाइन। अब इस एरिया को निकालने के लिए मुझे ये पॉइंट चाहिए, जो कि ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट चाहिए, अगर इस दोनों पॉइंट को निकालेंगे, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, हो सकता है क्या, अगर ये पॉइंट दोनों मिल गए, सपोज ये पी पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट क्यू मान लिए, अगर पी और क्यू हम निकाल लें तो आसान से एक बार मैं पी से क्यू तो इंटीग्रेट कर दूंगा, और लाइन पर से लेंगे तो ये पूरे पे निकल जाएगा, फिर से पी और क्यू ले लेंगे और इस कर्व पे घटा देंगे, कौन सा जो बचेगा जो मुझे फाइंड आउट करना है, नहीं तो हम लोग लिखते हैं फोर पॉइंट, फोर पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे फोर पॉइंट पी, पी के लिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो सॉल्विंग क्वेश्चन वन एंड टू को सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो एक्स की वैल्यू पुट करें तो एक्स की वैल्यू पुट कर दिए तो फोर वाई, फोर वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई, कैसे, क्योंकि वाई बराबर हमारे पास, सॉरी एक्स बराबर हमारे पास कितना, फोर वाई माइनस का टू पुट कर दिए, क्योंकि वन और टू को सॉल्व करें तभी क्लियर हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट क्लियर है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया दोनों को सॉल्व करो, अब जब हम सॉल्व करें यहाँ पे तो देखो क्या होगा,
ये हो जाएगा 16y स्क्वायर और ये कितना है प्लस का 4 4 दून 8 दून माइनस 16y इक्वल टू 4y होगा तो ये हो जाएगा 16y स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 16 4 20y इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 16y स्क्वायर माइनस 20y ये y इधर कटेगा प्लस का 4 इक्वल टू 0 और फर्स्ट टू लास्ट करेंगे हम लोग तो यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं 4 का कॉमन लें तो 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस का 1 इक्वल टू 0 होगा इसलिए 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस का 1 इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये कैसा बनेगा 5y स्क्वायर है नहीं तो इसको लिख सकते हैं 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0 इन दोनों को जोड़कर कैसे लिख सकते हो आप ध्यान देंगे ना तो क्या हो जाएगा हमारे पास इन दोनों से 4y कॉमन है 4y कॉमन ले लो तो यहां बच गया y माइनस 1 और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस 1 कॉमन ले तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 तो ये हमारे पास y माइनस 1 इनटू y और y माइनस 1 बराबर 0 आ गया देयरफॉर y की वैल्यू 1 आया दूसरा y बराबर 1 है व्हेन y की वैल्यू 1 लेंगे देन x की वैल्यू कितना आएगा जब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे y की वैल्यू 1 x की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ठीक है और व्हेन जब y की वैल्यू 1/4 रखेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा x की वैल्यू कितना 1/4 यहां की y की जगह पर इसमें y की जगह पर तो कितना आ जाएगा 1/4 रखेंगे तो -1 ना 1/4 कट जाएगा -1 x की वैल्यू -1 इसका मतलब जो सबने पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा q जो पॉइंट आपका होगा ठीक है ना देखिए ध्यान दीजिए इसको मिटा रहा हूं यहां पर q जो पॉइंट होगा प्लस का हो जाएगा 4 2 0 2 1 हो जाएगा और ये जो p पॉइंट है वो नेगेटिव हो जाएगा ना y पॉजिटिव है तो -1 1/4 ये मुझे मिल गया हमने निकाल लिया तो हम यहां पर लिख सकते हैं हमने दोनों पॉइंट फाइंड आउट कर लिया ठीक है और 4 पॉइंट p एंड q मिल गए p एंड q दोनों पॉइंट फाइंड आउट कर दिए That's the point of the point of intersection. Point of intersection are P. P का कितना हो जाएगा भाई? P का कुछ कितना है? -1/4 and Q. Q मेरा कितना है? Q 2 और 1 है. निकाल लिया इंटरसेक्शन पॉइंट अब मुझे एरिया निकालना है इसका इसका एरिया निकालना तो इसका एरिया निकालने में क्या करना पड़ेगा इसको इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे भाई देखिए कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है नहीं ध्यान दो रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा -1 से लेकर के 2 तक यही से हमने -1 से लेकर के 2 तक x एक्सिस पे माइनस 1 से लेकर 2 तक y1 माइनस y2 y1 यहां क्या रिप्रेजेंट करता है अपर कर्व अपर में मतलब अपर ऊपर में कौन है लाइन है और लोअर कर्व कौन है मेरा पैराबोला तो अब यहां ध्यान देंगे हम लोग माइनस 1 2 y1 यहां से y का हमने निकाल लिया तो लाइन से यहां से इस इक्वेशन से हमको क्या चाहिए y की वैल्यू चाहिए y की वैल्यू कैसे मिलेगा देखो इसे x प्लस 2 बटा 4 तो y की वैल्यू मिल गया नहीं और माइनस y2 y2 का मतलब यहां पर क्या है y2 का मतलब यहां पैराबोला है तो पैराबोला का y का इक्वेशन क्या बनेगा x2 / 4 और ये क्या है -1 से 2 बात समझ में आ रही है ध्यान से आ गया अगर मैंने इस -1 से लेकर के ये 2 तक इंटीग्रेट किया अगर मैंने इस लाइन को लिया तो ये भी एरिया और छोटा सा एरिया ये एरिया सब निकल जाएगा तब सब निकालने के बाद पूरा निकालने के बाद फिर -1 से 2 लेंगे और ये वाला जो एरिया है इसके नीचे वाला एरिया है इसको क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे बचे कौन सा एरिया जो मैंने घेरा हुआ है तो अब यहां पर क्या करना है इसको डिलीट करिए इंटीग्रेट करने पर 1/4 सबसे कॉमन है तो कॉमन निकाल लिए इंटीग्रेशन 1 से 2 और ये आपको आ जाएगा x प्लस का 2 माइनस x का स्क्वायर 1/4 कॉमन है और ये हो जाएगा -1 से 2 अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई 1/4 इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर / 2 प्लस का 2x माइनस x 3/3 और ये कितना हो जाएगा -1 से 2 -1 से 2 अब लिमिट पुट करेंगे हम लोग तो लिमिट पुट करने क्या मिलेगा मुझे अपर लिमिट पुट करें तो 1/4 अपर लिमिट पुट करेंगे पहले तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर / 2 और प्लस का 2 * 2 और माइनस 2
टू का क्यूब बटा थ्री का, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट कितना है, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर वन बटा टू हो जाएगा, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस टू इंटू वन हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कर तो प्लस एक बटा थ्री हो जाएगा, माइनस वन रखा है ना, तो ध्यान नहीं है, तो एक बटा चार हो जाएगा, ये टू प्लस फोर, और माइनस कितना होगा, एक बटा थ्री, नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस एक बटा टू माइनस टू प्लस एक बटा थ्री, ऐसा होगा एलसीएम लो, तो एक बटा चार एलसीएम छः माइनस आठ बटा थ्री, और माइनस इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, सिक्स, सिक्स एलसीएम आएगा, तो हो जाएगा सिक्स, तो ये थ्री माइनस छः दोनों कितना हो जाएगा, छः दोनों एलसीएम टू और थ्री का एलसीएम है ना, टू और थ्री का एलसीएम सिक्स आएगा, तो तीन, और ये छः दोनों बारह, यहाँ से तीन तो दो, ऐसा हो गया, अब एक बटा चार यहाँ पर ऐसे होगा, एक बटा थ्री कैल्सियम का कितना जगह हम देखा ध्यान दो, छः किया अठारह माइनस आठ बटा तीन, और माइनस माइनस तीन दो पाँच, तो माइनस सेवन बटा सिक्स होगा, या फिर खोलिए वन बटा फोर, दस बटा थ्री, और माइनस माइनस प्लस सेवन बटा सिक्स, तो तीन और छः कैल्सियम कितना जगह, तीन और छः कैल्सियम छः आएगा, तो दस दूनी बीस प्लस का सात, तो आंसर कितना जगह, एक बटा चार इंटू सत्ताईस, तीन से चार तीन चार सात छः अट्ठाईस सत्रह बीस सर सत्ताईस हो जाएगा ना, देख लीजिए अठारह में जाएगा दस, तो इतना बचेगा, अब ये हमारा कितना तीन से बारह कितना जाएगा, तीन से तीन दो छः नौ किए सत्ताईस हो जाएगा, तो नौ बटा आठ क्या होगा, अ स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, नाइन बटा नाइन बटा एट स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बाकी बात वीडियो हम लोग अगली सवाल करेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आप इतना कम से कम करिए और आपको ध्यान देना कि कौन सा